खबर संत कबीरनगर जनपद से, जहां भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा शैलेश कुमार राजभर ने उप जिलाधिकारी खलीलाबाद द्वारा बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन शैलेश कुमार राजभर ने कहा कि उप जिलाधिकारी खलीलाबाद प्रधान रामवृक्ष पूर्व मंत्री सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विपक्षी झिनकाई के साजिश में आकर हमारी संक्रमणीय भूमि को ग्रहित बताकर हमको बदनाम किया जाना गया है, जबकि पूर्व में उप जिलाधिकारी खलीलाबाद की लिखित रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि वह भूमि हमारी संक्रमणीय भूमि है और विपक्षी झिनकाई आदि का अवैध कब्जा है। शैलेश कुमार राजभर ने उप जिलाधिकारी खलीलाबाद पर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए विस्तार पूर्वक बताया कि ग्राम भगवानपुर थाना बखीरा तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर के ग्राम भगवानपुर में स्थित गाढ़ा संख्या 465 संक्रमणीय भूमि पिताजी भाभी चाची भाइयों के राजस्व भूअभिलेखों में दर्ज है, जिसका सीमांकन हेतु धारा 24 पक्की पैमाइश हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी खलीलाबाद में प्रस्तुत है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 465 के दक्षिण पश्चिम भाग संक्रमणी भूमि में विपक्षी का निर्माण कार्य हेतु नियुक्त खोदा गया था। आगे उन्होंने कहा कि दिनांक 12/10/2023 को हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक तिघरा उप जिलाधिकारी खलीलाबाद मौके पर जाकर प्रार्थी के साथ अन्याय करते हुए विपक्षी को लाभ देते विपक्षी पर हमदर्दी और कृपा करते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर भूमि गढ़ा है तो उसी भूमि में उपरोक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी झिनकाई का मकान एवं चंदन का अवैध कब्जा है, उसे क्यों नहीं खाली कराया गया एवं गाटा संख्या 465 से 467 से सटे गाटा संख्या 466 रकबा 10 मंडी सरकारी भूमि को भी विपक्षी झिनकाई द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी झिनकाई चंदन का अवैध कब्जा गढ़ी एवं गाटा संख्या 466 सरकारी भूमि से क्यों नहीं खाली कराए हैं। प्रशासन से प्रार्थना है कि शैलेश कुमार राजभर का सहयोग कराया जावे एवं हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक तिघरा उप जिलाधिकारी खलीलाबाद के विरुद्ध उचित कार्रवाई किया जाए। न्याय हित में प्रधान रामवृक्ष सुभाषपा अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साजिश से बचाव एवं सुरक्षा एवं गाटा संख्या 465 संक्रमणीय भूमि ग्रहा से एवं गाटा संख्या 466 सरकारी भूमि से विपक्षी जिनकाई आदि का अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग शासन प्रशासन से किया है। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार राजभर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन। शैलेश जी, आप किस बात को लिए आज आए हैं डीएम कार्यालय? आज जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन और एक मुख्यमंत्री जी को एक पत्र, इसलिए आए हैं कि हमारी जमीन भुईधरी जिसका खतौनी है और एसडीएम साहब का रिपोर्ट है जिसमें लेखपाल कानूनगो तहसीलदार और एसडीएम सभी लोगों ने दस्तखत मुहर किया हुआ है, इसमें देख लीजिए सभी लोगों ने दस्तखत मुहर किया है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इनकी जमीन भुईधरी है, उसमें विपक्षी झिनकाई आदि का जो है मरहला और सहन अवैध कब्जा किए हैं, जो रिपोर्ट है स्पष्ट, उस रिपोर्ट को झुठलाते हुए पूर्व मंत्री सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रधान रामवृक्ष के संरक्षण में विपक्षी झिनकाई से मिल करके पैसे से एसडीएम की कुर्सी बेच करके हमारी छवि खराब करने के लिए बदनाम करने के लिए एसडीएम खैलाबाद शैलेश कुमार दुबे जी द्वारा इस रिपोर्ट को झुठलाते हुए उस हमारी भूधरी जमीन को कढ़ाई बता करके एक बाँस का भंडा हमारे भाई साहब से हटवा करके और पेपर में समाचार में दे दिए कि भाजपा का नेता का अवैध कब्जा था उसको खाली करवा दिया, अगर कोई फिर कब्जा करेगा तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और कुर्क करके जेल भेजा जाएगा, और वहीं विपक्षी का जब आपकी रिपोर्ट में स्पष्ट है उसका मकान है उसका मरहला है, उस विपक्षी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं किए? ऐसा इतना बड़ा अन्याय अत्याचार करके भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम एसडीएम खैलाबाद द्वारा किया जा रहा है जो हमेशा विवादित खैलाबाद एसडीएम रहते हैं, तो मैं मांग करता हूं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, अगर गढ़ाई है तो उसका मकान और छप्पर जो भी अवैध कब्जा है पहले उसका हटाया जाए, नहीं तो हमारी भूधरी दिया जाए, हमारी जमीन को बीच में दे करके तीन तरफ जो है पोखरा कर रहे हैं, दक्षिण भी पूर्व भी और उत्तर भी, यह कहाँ का न्याय है? हमारा आजा बाबा दादा के जमाने से हम जो पत्र, है पत्र देकर आप क्या मांग किए हैं? हम मांगते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और एसडीएम खैलाबाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहिए और यहाँ से तत्काल हटाया जाए, नहीं तो हजारों लोगों के साथ मैं धरना और आमरण अनशन करूंगा। मैं पहले भी 55 दिन रात 9-9 दिन रात जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर हजारों को धरना प्रदर्शन कर चुका हूं। मैं माननीय महाराज परम पूजनीय श्री योगी आदरणीय महाराज लखनऊ भी धरना के लिए
कुछ करूंगा इसके खिलाफ, एसडीएम खिलाफ जो हमारे साथ अन्याय किए हैं, हमको हमारी छवि और बदनाम करने का काम किया।